बात करेंगे कि व्हाट इज सक्सेस एंड इन बिकमिंग सक्सेस और सक्सेसफुल डू वी नीड टू सेट अप गोल्स एंड मस्ट हैव आवर विजन और नॉट और कैन वी सक्सीड इवन विदाउट सेटिंग गोल्स एंड विजन. सक्सेसफुल होना चाहते हो कि नहीं? तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? लेट्स सी क्या हम आज का सब्जेक्ट हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में लक्ष्य का महत्व क्या है? क्या आपने अपने लक्ष्य को पहचानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी ये सोचा कि किस लक्ष्य को हासिल करके आप गर्व और खुशी महसूस करेंगे? इन सवालों के बारे में अगर आपने नहीं सोचा तो आज सोचिए और तय कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या और क्यों होगा. ऐसा करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इन दिक्कतों के बाद जब आप इन सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको वो लक्ष्य हासिल होगा जो अब तक कहीं खोया हुआ था. So, what does this success mean to you? Dr. APJ Abdul Kalam said once that a success is when a signature turns into autographs. Okay, so when a success turns into an autograph, yeah, that will see that as if you are a successful person. Yes? Yes, sir. Okay. When we achieve what we desire for. Very good. When we achieve what we desire for. Good. Good answer. Kya naam hai aapka? वैशाली जैन. वैशाली जैन. वैशाली ने अच्छी बात कही. व्हाट वी इफ वी अचीव आवर डिजायर्स दैट इज सक्सेस. व्हेन वी आर रिच फेमस और पावरफुल. ओके, इससे कितने लोग एग्री करेंगे? हाथ उठाइए. यू वांट टू बी रिच फेमस एंड और पावरफुल. नॉट मैनी पीपल. ओके. When you are satisfied with your life. When you are satisfied with your life. It's called success. And what will make you satisfied? Achieving your goals. Achieving your goals will make you satisfied. Yeah. And that is what will be success. Yeah. For me, success has a very broad contour. And for me, success is not in terms of monetary benefit. For me, success is like how you impact the lives of people in a good way. Doing a public service for you is success? Yeah, like for children who are not getting education, imparting them education, equipping them with knowledge so that they can excel. No, but that could be your goal. आपका ये goal हो सकता है कि हाँ, मुझे philanthropic काम करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ऐसा सब कुछ करना है. वो तो आपका गोल हो गया. सक्सेस के माने क्या आपके लिए? आई वुड से आई वुड बी सक्सेसफुल व्हेन पीपल नो मी फॉर व्हाट आई डू एंड हाउ एम आई रिकॉग्नाइज्ड. नॉट वरीड अबाउट हाउ मच मनी डू आई गेट एंड नॉट, बट यस, पीपल शुड नो मी इन माय वेज. सो यू शुड बिकम फेमस. यस, बीइंग फेमस इज अ सक्सेसफुल थिंग फॉर यू. When there is a balance between such factors like health, wealth, and achievement of all other goals, that leads to true happiness. For me, that is success. So, according to me, success is following your passion and being the best in what you do. Following your passion and being the best in what you do. Following your passion. And being the best in what you do. And being the best in what you do. Okay. So, ये अब इसका मायने आप क्या सोचते हैं जो घर बैठे इस शो को देख रहे हैं, DSC शो? Please सोचिएगा कि सक्सेस क्या है. मेरा ऐसा मानना है, सक्सेस का माना, जैसे कि हमने अभी 15-20 लोगों से पूछा, हर एक आदमी ने सक्सेस का अपना अपना नज़रिया बताया. और ये सच है, सक्सेस, अगर हम यहाँ 500 लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे हैं, तो 400 लोगों का अपना अपना नज़रिया सक्सेस के बारे में अपना अपना अलग अलग होगा. मानते हैं इस बात को? सो इसके माने सक्सेस क्या है, वो उसके लिए मुझे अपने मन में तय करना पड़ेगा कि मेरा जिंदगी का गोल क्या है, मेरा पर्पस लाइफ में है क्या,
मुझे क्या अचीव करना है जिंदगी में, isn't it? और उसके मुताबिक फिर आप अपना तय करेंगे what will be, how, if I achieve my goal in life, if I achieve my objective of life, अगर मेरा कोई विजन है जिंदगी का, वो अगर मैं पूरा कर सकूं, उसको ही मैं सक्सेस कहूंगा, isn't it? जैसे किसी ने कहा यहाँ, one girl said के fulfilling my desire is what success is. तो ये, और डिज़ायर हर एक की अपनी अपनी अलग है. हम जितने भी लोग हैं, हमारी अपनी डिज़ायर अलग अलग है. और एक बात और कि डिज़ायर भी हर समय में बदलती रहती हैं. आज यदि आप इस युवा इसमें हैं, आप MBA कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, इस समय आपकी डिज़ायर कुछ अलग है कि मुझे यहाँ से सक्सेसफुल होना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, मेरिट में आना है, उसके बाद मुझे इस तरह की सर्विस करनी है, या मुझे अपना बिजनेस करना है, हाँ, या मुझे अपने पापा को असिस्ट करना है, या मुझे इतना कुछ कमाना है जिससे कि मैं अपने भाई बहनों का शादी कर सकूं, परिवार चला सकूं. उसमें भी गोल आपके हर एक के अलग अलग होंगे. और जब आप लाइफ में यहाँ से निकलने के बाद 10 साल जिंदगी में गुजार चुके होंगे, शादीवादी हो चुकी होगी, एक आध बच्चा हो गया होगा, लालन पालन हो गए होंगे, उस समय शायद आपका गोल और दूसरा बदल जाए. क्यों? तो गोल एंड विजन ऑल्सो कीप चेंजिंग विद द चेंज ऑफ द टाइम. डू वी एग्री? लेकिन सक्सेस के माने जरूरी नहीं है कि वो हैप्पीनेस हो. इस बात से कितने लोग सहमत होंगे? जैसे आपने पीछे कहा कि रिच, फेमस और एंड और पावरफुल, मुझे नहीं लगता. मैंने बल्कि पिछले दिनों, अभी हर साल आता है इंडिया टुडे मैगजीन में, और माइटी एंड पावरफुल ऑफ द कंट्री. क्या पावरफुल मतलब ज़्यादा पैसा होना इज पावरफुल आप लोगों के मुताबिक? लेकिन वो तो ऐसे ही मानते हैं. ये भी बड़ा एक सब्जेक्टिव विषय है कि ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा रिच एंड फेमस होना कोई आवश्यक नहीं कि वो आदमी स्वयं खुद अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता हो. मुझे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा नहीं कभी. लेकिन अंदर से मैं यदि प्रसन्न हूँ, मेरे अंदर से मुझे खुशी है अगर, तो ही मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा. ये मेरी अपनी परिभाषा है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी अपनी परिभाषा, मेरा अपना सोचना ये है कि जो चीज़ मुझे हैप्पीनेस दे, अंदर से खुश रखे, मुझे रात को सोते ही पिलो पे सर रखते ही नींद आ जाए, मुझे अगर मैं यहाँ से मेरे से कोई किसी का बुरा ना हो, ये मेरे गोल हैं, वो अगर मैं ठीक अचीव कर सकूं तो मैं समझता हूं मैं सक्सेसफुल हूं. अभी जो काम कर रहा हूं इस समय में, मेरा ये DSC शो का एक पर्पज़ है कि मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के 50 साल बिजनेस किए हुए के, वो एक्सपीरियंसेस मैं किसी तरह से बांट सकूं लोगों के अंदर, उनको अगर लाभ हो तो अच्छी बात है. सो एक बात हमने ये मानी कि सक्सेसफुल होना अपना अपना एक मकसद, अपना अपना इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव मैटर है. कोई सक्सेस की भाषा परिभाषा मैं या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर थोप नहीं सकता, या थोपना नहीं चाहिए किसी को. लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए इतनी देर में जो मैंने बात की कि कोई विजन होना ज़रूरी है, आपको अपना गोल सेट करना ज़रूरी है, कोई दिशा निर्देश करना ज़रूरी है. अगर वो दिशा तय नहीं करेंगे तो फिर हम क्या हैं? एक कटी पतंग की तरह से रहेंगे, जिंदगी हमारी वैसी रहेगी. जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ सवाल. सर, आई हैव टू क्वेश्चंस. व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड व्हाट शुड वी डू टू रिमेन फोकस्ड ऑन आवर गोल्स? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ तो आपका अपना है सोचना. और मेरे से अगर पूछेंगे, अगर आप और जो हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, उसमें तो ह्यूमन बीइंग का गोल तो बड़ा ऊंचा गोल है.
ultimately to find the ultimate truth. That is the goal of a human being. And that truth is not within this life. It is beyond our mind and matter. और वो आपका अपना अपना इंडिविजुअल गोल है. कोई भी व्यक्ति आपको बता नहीं सकता कि आपका क्या गोल होना चाहिए, आपका क्या मकसद लाइफ में होना चाहिए. ये हमने पढ़ा भी है और आप भी मानेंगे इस बात को. प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान भी पांच तरह के होते हैं. जिंदगी में आपने महसूस किया होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को, दोस्त को अपने आसपास में जानते होंगे ज़रूर, जिसका मकसद केवल और केवल खुद को देखना, खुद का लाभ करना, खुद को खुश रखना. ऐसे लोग देखे हैं आपने कोई आसपास? दे आर टोटली सेल्फ सेंट्रिक. उनके लिए इवन अपना परिवार भी जो है उसका कोई मायने नहीं रखता. परिवार को भी वो बाद में देखेंगे, पहले वो खुद अपना सोचेंगे, खुद अपनी बात करेंगे. उस आदमी को हम कहते हैं मिनरल ह्यूमन बीइंग, यानी जो मिनरल्स और मेटल्स देखते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, उन मनुष्यों को कहा मिनरल ह्यूमन बीइंग्स. जो व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है अपने आसपास, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने कुछ आसपास के लोगों का अच्छा भी सोचता है, तो उसको हमने कहा वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, लेकिन वो फिर भी वो वेजिटेबल का पौधा या पेड़ जो भी कहिए, वो रहेगा अपने उसी दायरे में, वो मूव नहीं करता है. इसलिए उसको वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग कहा. फिर उसके बाद अगली जो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है तीसरी सीढ़ी पे उसको ले जाता है, उसको हमने कहा एनिमल ह्यूमन बीइंग्स. एनिमल ह्यूमन बीइंग्स का फितरत क्या रहेगी कि मेरा देश, मैं हिंदुस्तानी, या मेरी कम्युनिटी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, वहाँ तक आगे बढ़ेगा. हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान का भला हो, इसके अलावा नहीं सोचेगा. उसको एनिमल ह्यूमन बीइंग कहा. और चौथा फॉर्म ऑफ ह्यूमन इज ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, जो कहेगा कि पूरे संसार का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे देश की परंपरा है, इस देश की सोच है, उसको ह्यूमन ह्यूमन बीइंग कहा. और उससे परे उसको क्या कहेंगे, मैंने एक वर्ड क्वाइन किया है कि द पर्सन हु थिंक्स बियॉन्ड द ऑर्बिट. ऑर्बिट हमारा क्या है, जो कुछ हमने जाना, सीखा, हमको पढ़ाया गया, चाहे संसार में देखा, अपने आसपास होते देखा, फिल्मों में देखा, जो एक्सपीरियंसेस आए, वो हमें पता है कि ये सब कुछ होता है इस संसार में. लेकिन एक ऑर्बिट ऐसा भी है जो हम पहुंचे ही नहीं कभी. ऐसे लोगों को कहा कि उनको चाहे आप ट्रांसडेंटल ह्यूमन बीइंग कह दीजिए या कुछ भी कहिए, जो कि पूरे बीइंग का भला सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं. और ख़ास करके ये बात क्यों कही गई, क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम ही एक ऐसे बीइंग हैं इस सृष्टि में जो अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ओरिजिनल जो पहले कभी नहीं हुई हो वो कर सकते हैं, अपने आप को एक यूनिक कुछ वातावरण बना सकते हैं. वरना जो भी कोई बीइंग्स हैं उनका कंप्यूटर पहले से सेट है. वो कोई कुछ, आप एनिमल्स देख लीजिए, प्लांट्स देख लीजिए, उनकी जो फितरत है वो पहले से बनी हुई है, वो उसके आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे. तो इसलिए हमने कहा कि मनुष्य अपना गोल, अपना विजन, अपनी चीज़ खुद स्वयं तय करे. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना घुस गए, या ऐसा भी कहूँ तो गलत नहीं होगा
कि हमने अपने आप को प्रश्न करना ही बंद कर दिया. मुझे शादी किए हुए बहुत साल हो गए, मेरे बच्चे हैं, खुश हूँ मैं, लेकिन जब शादी की तो नहीं पता था कि क्यों शादी कर रहा हूँ. अब जब तक अकल आई तो बड़ी देर हो गई थी. वाकई पूछना चाहिए कि भाई मुझे शादी करनी तो क्यों करनी है? क्या केवल इसलिए कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं? अपना परिवार आगे बढ़ाना है, अपना कुटुंब आगे बढ़ाना है, कोई नाम लेने वाला होना चाहिए, क्या कारण है? प्रश्न पूछिए. आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप को कि मैं व्हाई आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड व्हाई आई एम नॉट एनी अदर एनिमल, एनी अदर बीइंग, यू कुड हैव बीन एनी अदर बीइंग. वी ऑल बिलीव एंड दिस इज द साइंटिस्ट टुडे, इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड टुडे confirms and believes that there is a rebirth, that it's no more a kind of a religious thing, that so and so religion believes rebirth and so and so religion doesn't believe rebirth. Now it has been proven by science that there is a rebirth. So you could have taken birth in any other thing. So I would say even it is not late for you, all of you boys and girls. Start asking question on everything, not to the extent of becoming too much obsessed with it. लेकिन कुछ भी अगर करना है, अगर मैं कहूँ आपको ऐसा करिए, तो ask question, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए. तो आज हमारे बीच में इसी प्रकार के एक जो आपके रोल मॉडल मैं समझता हूँ हो सकते हैं, ये हमारे बीच में हैं आज के दिन गेस्ट नीलंजना दास. आप उनको वेलकम करें. नीलंजना दास जी, प्लीज कम आइए. एंड आई वुड लाइक यू टू सी अबाउट मिस दास, हाउ शी स्टार्टेड एंड व्हाट शी स्टार्टेड. लेट्स प्ले ऑडियो विजुअल प्लीज. मकसद में जिंदगी को बदलने की ताकत है, इसलिए मतलब छोड़ें, मकसद नहीं. जीवन में कुछ नया करने का जज्बा हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही किया समाज सेवी नीलांजना दास ने. खुद के बूते स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ते हुए वो कई ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता का संचार कर रही हैं. हाँ, पहले ये था कि अगर हमें एक रुपया भी चाहिए था तो किसी से मांगना ही पड़ता था, लेकिन आज के इससे जुड़ने के बाद अगर हमें 10 रुपए की भी जरूरत है तो वो किसी से हमें लेना नहीं है, वो हमारे पास होता है. ज़्यादातर गांव में क्या होता है, शादी के बाद लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो ये काम कर रहे तब से घर के भी है, हस्बैंड भी है, कोई मना नहीं करता, तो अपनी मर्जी से हम कहीं भी आ जा सकते हैं. अब मेरी ज़िंदगी में फिर से थोड़ा सा हलचल हो गई है. मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, खाली नहीं बैठी रहती हूँ, और फालतू की बातें सोचने का वक्त मुझे नहीं मिलता है. नीलांजना की जिंदगी का एक ही मकसद है, देश भर में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना. और इसी सोच के साथ आपने साल 2010 में एक्शन सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्ट की स्थापना की. इस इनिशिएटिव के बाद महिलाओं में काफ़ी बदलाव मैं देख रही हूँ, नॉट ओनली इकोनॉमिकली कि वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो सामाजिक वे में उनके जो बदलाव आया है, ताकि वो अपना शिक्षा के स्तर पे हो, अपना स्वास्थ्य के स्तर पे हो, अपने परिवार के स्तर पे हो, और तीसरा उनका जो अपना आत्मसम्मान, महिलाओं का खुद का आत्मसम्मान कि वो कुछ पैसा कमा रही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो उनका आत्मविश्वास, जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन कि उसको आगे करना है, उनको आगे और बढ़ना है, ये जो एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एक इतनी महिलाओं में मैं उन पे जो ये शुरुआत कर पाए हैं, तो ये बदलाव मैं देख रही हूँ. ये संस्था आज कई राज्यों में काम कर रही है. फोटो फ्रेम और टेबल मैट से काम शुरू करने वाली संस्था के पास आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं. इस संस्था का मकसद है देश भर की महिलाओं को एक चेन से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना. तो हमारा
जो मकसद था वो है महिलाओं के साथ एक लगातार जुड़ना और लगातार उनका जीवन शैली में बदलाव लाना, ये था। और हमारे बचपन से ही कहीं ना कहीं एक पैशन था कि हम खुद ब खुद कुछ अपनी एक शुरुआत करके एक प्रोडक्टिव काम से उसको जोड़े। तो शायद ये यही चीज़, ये जो स्पार्क था अंदर में और एक एंटरप्रेन्योरशिप का, इसलिए शायद ये हमें हिम्मत मिली कि हम ये काम, हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। संस्था के काम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब देश की महिलाएं समाज की दकियानुसी सोच को खत्म कर दुनिया के नक्शे पर एक अलग तस्वीर पेश कर सकेंगी। वेरी गुड निलंजना जी, क्यों आपने ये, कब क्या सोच आई आपके मन में जो आपने ये सब शुरू किया? जैसे आपने बताया कि विजन चेंज होता है, हमने पहले शुरू किया, मैंने 10 साल पहले एक अपने डेवलपमेंट सेक्टर से ही काम किया, शुरू किया, फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दी और उसके बाद ये संस्था की शुरुआत की इन द ईयर 2010। क्योंकि द थिंग इज़ कि हमने जब पहले प्रोजेक्ट्स किए थे उसका था कि टाइम बाउंड, आप एक साल काम किया, आपने दो साल काम किया, लेकिन उसके बाद उसके सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए, एक मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए ये पागलपन सवार हुआ था कि हम सब छोड़ के यू नीड टू गेट अटैच्ड टू दिस कम्युनिटी, टू द ग्रास रूट्स, टू ब्रिंग अ कंटिन्यूस सस्टेनेबल चेंज। तो जब ये विजन जब आया, मतलब यू थिंक व्हाट टू डू, यू नीड टू हैव अ ड्रीम। तो अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ आप इसको लेके जाएंगी? जैसे अभी हमने देखा कि आपने कितना अभी तक अचीव किया है, आगे क्या आपका विजन है इसके बारे में? देखिए, विजन जो है, सपना जो है, यू नो दे आर वर्किंग विथ वेस्ट पेपर, दैट इज पेपर विच इज बेसिकली इट इज रॉ मटेरियल। जो पेपर आप सुबह को पढ़ते हैं वो शाम तक वो बेकार हो जाता है, वो कबाड़ी बन जाता है, लेकिन that paper is becoming a resource material for them. So we are calling them as a chain of rural recyclers or upcyclers. So the vision jo hai to create a chain of rural recyclers across the country. Iska matlab yun kahe ki agar simple bhasha mein agar hum samajhna chahe to aap ye kahenge ki jo material gharon mein waste ho jata hai usko recycle kaise karke kuch na kuch upyogi cheeze usme se banaye और उनकी जो रूरल महिलाएं हैं उनके अंदर अर्निंग कैपेसिटी और कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें? बिल्कुल, नॉट ओनली अर्निंग, बिकॉज वंस दे अर्न द इनकम, जब उनके हाथ में पैसा आ जाता है द सोशल डेवलपमेंट हैपेंस, दे कैन ऑल्सो केटर टू द एजुकेशन, टू द हेल्थ, एंड दे ऑल्सो कम अप एज द रूरल लीडर्स। वो आके दे आर कमिंग टू द सेल्फ गवर्नेंस, दे आर कमिंग टू द पंचायत, हाउ द होल सोसाइटी इज रीबिल्ड एंड कैपेसिटी इज रीबिल्ड, दे आर बिकमिंग द रोल मॉडल्स, दे आर बिकमिंग द एग्जाम्पल्स फॉर द अदर्स। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, अगर जिसने, जैसे वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे कोई विजन की आवश्यकता नहीं है, या मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, या मान लीजिए कोई विजन नहीं है मेरा, उनको आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? विजन इज जस्ट लाइक योर आईसाइट, जैसे कोई आईसाइट ही नहीं है, यू नो दैट मींस यू आर ब्लाइंड। वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया, गुड थॉट। यू शुड हैव अ विजन, you should definitely have a vision as a young people, there are so many things to be done, kitna kuch karna hai hamare society mein, hamare desh mein, I think so there is ample ideas, you should have one idea which should click your mind and you should have passion for that, kyunki that passion which will drive you, hamare andar sab kuch hai, hum sab kuch powerful hain, we are all mighty powerful people, ye soch honi chahiye. I would like to ask you that why you bonding yourself to the recycling thing, why don't you move to another areas, verticals also? Definitely that is not a closed area at all, but now you know when they're making the products, yeah, they're making some handmade you know recycled, but all are utility products. Now aaj hum bolte hai go green because there is another objective with us, you know, a vision can have 2-3 you know goals, and goals can have further objectives. So you know another is the environment, recycling for paper, प्लास्टिक जो भी करती है, वी वॉन्ट टू एम्पावर द वेमेन एंड एम्पावर द एनवायरमेंट। तो वो इतना, सो वी वॉन्ट टू यू नो साइमल्टेनियसली वी आर क्रिएटिंग अ इको कॉन्शियस सोसाइटी जो ये प्रोडक्ट्स को अपनाएं।
बिकॉज लाइवलीहुड कहाँ से आएगा, मार्केटिंग ही नहीं होगी तो लाइवलीहुड कहाँ से होगा. सो द मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर एग्रेसिवली द वेमेन, एवरीबडी इज़ एग्रेसिवली वर्किंग ऑन द मार्केटिंग टू क्रिएट अ इको कॉन्शियस सोसाइटी वेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट्स, आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. तभी यू नो टूडे हाउ कैन वी बिल्ड दिस 500 और मोर. टूडे देर आर मोर पीपल एंड यू नो दैट इज कमिंग अंडर दिस चेन. सो यू नो इन द ईयर्स टू कम दैट्स द विजन, यू नो दैट आई एम सीइंग दैट इन द फाइव ईयर्स एट 10 ईयर्स line, we want to make it every, why only green paper bags, make it everything of paper. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, निरंजना की बात बिल्कुल सही है. मैं कई बार अपने विदेशी दोस्तों को कहता हूँ कि भाई अगर कल को अगली वर्ल्ड वार अगर हुई तो इंडिया विल डेफिनेटली सर्वाइव, क्योंकि हमारे एक तो कंजम्पशन सबसे कम है और जितना कुछ हम अगर निकालते भी उसको भी हम रिसाइकिल कर ही लेते हैं कैसे भी. ये बड़ी बात है. हमारे दर्शक उस कैमरा में अगर उनको बताएं आप, क्या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, जो घर गृहिणी घर में बैठी है, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, बहुत से करोड़पति अरबपति भी इस शो को देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका मैसेज उनको? माय मैसेज टू एवरीबॉडी जो भी देख रहे हैं इस शो को इज टू यू नो टू बी conscious, to be conscious about yourself, about the society, about the community, about the environment, and wahi kare, you know, which will help them and the society to grow. This is one thing. And yes, if I'm thinking of act and my women, and I want to, you know, make them one super women of this country, you know, to kal ke din mein ye, so to buy the and to endorse the recycled products and to you know help the environment, conserve the environment and promote the whole concept. And that will make them happy as well. They will be very happy if they turn the environment green and they help the women simultaneously. They are for fulfilling two objectives. Give a big hand to Nilanjana Das. Dr. Subhash Chandra ko akela motivator is desh mein nahi hai. Bahut log hain. Hazaron lakhon log hain. Aur aise hi ek motivator hamare beech mein hai, Deepti Ji Pant. Unko main bulana chahunga. She's a great storyteller. Please come. She is a design management professional and passionate storyteller, a speaker with great sense of humor and highly energetic person. She uses her storytelling technique to transform simple and mundane workplace conversation into engaging and fruitful ones. So, we would like to have some more life into these faces. They are Some of them are definitely smiling. मैं कहानी कथावाचक हूँ, कहानी कहती हूँ, पर मैं कहानी इसलिए नहीं कहती, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, हाँ अमित जैन नहीं हूँ मैं, मैं जाकिर नहीं हूँ. मैं जो कहानियाँ कहती हूँ उन कहानियों के पीछे एक मकसद होता है, उन कहानियों के पीछे लोगों की जिंदगियाँ को बदलने का मकसद होता है. मैम, यू आर इनटू स्टोरी टेलिंग, तो आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? वेरी गुड. मेरी फेवरेट स्टोरी है रज़िया सुल्तान की. मोर देन दैट, मेरी फेवरेट स्टोरी है इल्तुतमिश की. इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान का पिता था. उसने उस ज़माने में ये हिम्मत करी कि अपनी बेटी को एक सुल्तान बनाया. वेरी गुड. उस पिता की सोच को सोचो, उस पिता की सोच को सलाम कि उसने उस वक्त अपनी कहा कि मेरे पुत्र बेकार हैं, दे कैन नॉट बी ग्रेट रूलर्स. The person who will rule the land will be my daughter because she is competent. लेकिन ultimately रज़िया सुल्तान को उसके भाइयों ने conspiracy करके उनको मरवा दिया. हाँ. तो इसलिए मेरी वो कहानी होती, मैं इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं इल्तुतमिश की कहानी को ज़्यादा importance देती हूँ, क्योंकि कम से कम उस इंसान ने वो बीज तो बोया. बाद में वो परिवर्तित हुआ 300-400 साल बाद जब इंदिरा गांधी रूरल बनी. पर कहीं पे शायद हमारी एशियन इकोनॉमीज में इंडियन विमेन इतनी जल्दी ज़्यादा लीडर्स क्यों हैं अनलाइक वेस्टर्न इकोनॉमीज, क्योंकि हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी उसको सपोर्ट करती है. कि अभी यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार जस्ट मिले हुए 20-30 साल हुए. 1923 में मिला है. हाँ. So, yeah. Actually, recently there has been some cases of students committing suicides. तो आप स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में किस तरीके का मोड़ लाना चाहेंगी कि उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ एक एंजॉयफुल लाइफ हो जाए?
ये तो बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया है। गंभीर भी, और क्योंकि मेरे बच्चे भी आप ही की उम्र के हैं तो मैं रोज इन चीज़ों से डील करती हूँ कि मम्मी आज क्लास में मज़ा नहीं आया, आज ये नहीं करूँगा, आज वो नहीं करूँगा, मेरा बेटा फुटबॉल खेलने जाता है, नहीं कोच सर बहुत डांटते हैं, मैं नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से दो तरीके हो सकते हैं एज अ स्टोरी टेलर एंड एज अ मदर, एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी। एज अ स्टोरी टेलर, मैं सच बताऊँ, मैं आपके उम्र के बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, 11, 12th एंड ऑनवर्ड्स मैं बहुत काम करती हूँ इन बच्चों के साथ। ये बच्चे मेरे साथ आते हैं कोचिंग लेने, पढ़ने, तो वो आते हैं और मैं उनके साथ बैठ के ये कहती हूँ कि आपको बनना क्या है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अब आपसे ये शुरू होने से पहले मुझे आप ही के एक इंसान ने पूछा था कि अब क्या आपको क्या क्वेश्चन, आप किस तरह से अपने विजन्स डिफाइन करती हैं। तो मैं इस तरह से कहती हूँ कि 10 साल बाद तुम इसी टाइम पे इसी सैटरडे को 4 बजे क्या कर रहे होगे, मेरे से ये कन्वर्सेशन करो, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से फिर पीछे जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इज दिस आल्सो अ प्रोसेस टू सेट योर विजन एंड यस। राम को रावण मारना था इसलिए उसने बाली को मारा और उसने सुग्रीव और हनुमान से दोस्ती करी, राइट? अगर रावण को नहीं मारना था, व्हाट वाज द नीड ऑफ द फ्रेंडशिप? हाँ, कोई दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपना कंद फूल खा के 14 साल घूमते रहते, वापस आ जाते। कोई याद भी नहीं करता, कोई याद भी नहीं करता। तो इसलिए जो है वो 10 साल का मैं विजन नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही आप सीईओ बनो, आप शाहरुख खान बनो, मैं कह रही हूँ सिर्फ ये कहो कि मैं इस शनिवार के शाम, हर शनिवार शाम को 4 बजे में क्या करूँगा, वॉट इज योर डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ अचीवमेंट, दैट इज द ओनली आई कन्वर्सेशन आई हैव विद देम। तो एक और बताइए कि ये कैन वी ट्रैक अवर अचीवमेंट टूवर्ड्स द गोल इन द स्टोरी? जी, मैं आपको इसके लिए केस स्टडी बनाऊंगी। एक बहुत कॉर्पोरेट ने मुझे एक बुलाया था, तो उनके कुछ हाई अचीवर्स थे और वो लोग अचीव सडनली दे स्टॉप अचीविंग, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनके साथ बैठिए और बात करिए। एक की कहानी मैं बताऊंगी, तो उन्होंने एक इंसान ने अपनी कहानी बताई मुझे कि वो इंसान जो है केरला में पला बड़ा था और वो अपनी नानी के यहाँ पला बड़ा था, उसकी नानी मंदिर के पास रहती थी और रोज़ सुबह मंदिर जाती थी, अपनी नानी के साथ वो मंदिर जाता था, ऐसी उसकी परवरिश हुई। तो सर कह रहे थे ना, अपने बचपन लोगों का बहुत अगर डिफरेंट हो तो लोग डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं, ये मैंने काफ़ी देखा है। और वो जो है बॉम्बे आया और बॉम्बे में वो रहने लगा और नेचुरली एक पीजी में रहा, ना मंदिर आसपास, ना वो स्पेस केरला, ना वो ग्रीनरी, एंड हिज परफॉर्मेंस वेंट डाउन। पर 3-4 महीने बाद वो एक अपने अंकल के घर में शिफ्ट हुआ जो कि माहिम में एक मंदिर के पास रहते थे। हमने और वो कहानी बता रहा है, मैं सिर्फ नोट्स ले रही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंगली, व्हेनेवर हिज स्पेशल अरेंजमेंट वॉज अराउंड अ टेम्पल ही वॉज परफॉर्मिंग समवेयर, दैट टेम्पल की फीलिंग, वो जर्नी उसके मन में रिलैक्स कर देती है। जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे होता है वो। मैं ऐसा समझता हूँ खुद एज इंडिविजुअल कि आजकल मकान तो रह गया है और रोटी कपड़ा की जगह मकान, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये हमारी लाइफ के कॉमन गोल शायद होने चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इन तीनों पर कोई स्टोरी कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक कॉमन मैन के लिए। ये सर ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ, ये गोल नहीं होते हैं, ये तो ज़िंदगी की नियम है, ये तो करना ही है। जैसे सांस लेना गोल नहीं होता है ना, खाना खाना गोल नहीं होता है, तो ये तो जिंदगी के नियम हैं। These are activities. These are activities of life. And action is what you need to set your goal, and then the actions are decided. Yeah, these are the byproducts of the goals. Yeah. These are the byproducts of the goal. मैं कहूँगी आपका विजन, आपका अचीवमेंट डिज़ायर, आपकी फाइनल स्टोरी अगर आपके हाथ में है और अपनी फाइनल स्टोरी से आप फेथफुल हैं, आप उससे दूर नहीं जा रहे हैं, तो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ भगवान गुरु माँ बाप पत्नी पति बच्चे सब लाइन में आ जाते हैं, सब लाइन में आ जाते हैं। अगर आपको क्लियर है कि आपको रावण को मारना है तो सब लाइन में आ जाते हैं, पर वो रावण तो ढूंढिए पहले आप। यस, जब तक आप अपना विजन तय नहीं करेंगे तब तक कोई, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं कुछ भी कर पाए। जितनी मेरे दर्शकों से जो घर बैठे देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपनी कहानियों की रचना खुद करो, पर ये मत समझो कि तुम अकेले हो उसे रचने के लिए। तुम्हारे साथ पूरा जहाँ है, अपने माँ बाप हैं, तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं और सारी सोसाइटी है। पर ये भी समझो कि अगर कहानी थोड़ी अलग होगी तो वक्त लगेगा लोगों को समझने में, उन्हें वक्त दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
दीप्ति जी आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड मैं जरूर आपका ये आज जो आपका आश्वासन है मैं जरूर आऊंगा आपसे स्टोरी सुनने. थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर मीटिंग यू इटसेल्फ सर. आई एम सच अ फैन ऑफ योर्स. बिग हैंड फॉर दीप्ति जी. तो आज की बात से हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या सीखा, क्या कंक्लूजन हमारा? नंबर वन, कि सक्सेस मीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. एक बात, क्या ठीक है ये बात? और वी ह्यूमंस आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर बीइंग्स. वी कैन नो, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, व्हिच अदर बीइंग्स कैन नॉट डू इट. एंड वी ऑल्सो कंक्लूडेड दैट मटीरियल सक्सेस इज नॉट नेसेसरली ए रियल सक्सेस एंड व्हिच मेक्स यू हैप्पी. तो और विदाउट सेटिंग अप ए विजन और ए गोल, लाइक उन्होंने कहा कि रावण को मारने का अगर गोल नहीं होता राम के सामने तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते, और वो शायद लोगों के सामने वो कहानी शायद आने से रह भी जाती और आती भी नहीं. एंड एक्वायरिंग नॉलेज हेल्प्स अस टू वाइडन अवर ऑर्बिट्स. एक स्टूडेंट केवल इसलिए ना बने रहो कि मुझे ज़िंदगी में नौकरी करके और अपना रोटी कपड़ा मकान और या कहिए मकान और हेल्थ और नौकरी और जो भी वो करना है अचीव, बल्कि ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखिए. वो सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com. या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.